बिग बॉस के घर में जब पलक और अविनाश आने वाले थे, तब से ही सबको पता था कि जाहिर सी बात है आप अपने एक्स के सामने आ रहे हो, वो भी ऐसे नहीं कि कोई टाइम पास एक्स था, भाई 5 साल का आपका रिश्ता रहा है, आपकी आपकी सगाई हुई थी, सगाई के बाद रिश्ता टूटा, एक्स वाई जेड कई सारी सिचुएशंस थी। तो अब जब आप बिग बॉस के घर में आए हो, आपके पास मौका था पलक को बाहर भेजने का इमीडिएटली, या आप उस चीज़ पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन अविनाश ने बहुत स्मार्टली अपना गेम खेला, उन्होंने पलक को घर में रखा भी कि हम रखेंगे भी हम, और टॉर्चर भी करेंगे हम, और फिर गुस्सा भी दिखाएंगे हम। यही इस वक्त घर के अंदर चल रहा है, और ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा मेडअप और बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी लग रही है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। इस वक्त प्रोमो आया है जहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो आप नहीं देख सकते, बट मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे अविनाश और पलक के बीच भयंकर लड़ाई हुई है, जहाँ पलक ने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हुए पूछा कि तुम्हारा नॉमिनेशन का जो रीज़न था वो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मुझे नहीं समझ में आया तुमने नॉमिनेशन का जो रीज़न मुझे दिया। जिसके बाद अविनाश ने काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस दिए, पलक को समझ नहीं आया, पलक को वो रीज़न वैलिड नहीं लगा, एक्स वाई जेड। शुरू तुमने किया था, खत्म मैं करूंगा। Get lost! सब निकालूंगी ना चीजें बाहर, तब पता चलेगा। विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस ओटीटी पावर्ड बाय टू यंग जेंट्स, हर रात 9 बजे जियो सिनेमा पर। तुम्हारे नॉमिनेशन का रीजन मेरे को समझ ही नहीं आया। तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं। सो क्लियरली नॉमिनेशन का रीज़न पूछने पर ये पूरी बहस हुई है, और अब आई थिंक ऑडियंस को भी ये चीज़ बहुत एविडेंटली दिख रही है, समझ आ रही है कि क्योंकि आपका एक पास्ट रहा है तो बहुत कन्वीनियंटली आप कभी भी उस इंसान से लड़ सकते हैं, कभी भी उस, और इसी चक्कर में आप लाइमलाइट में बने रहेंगे कि अच्छा अविनाश पलक की लड़ाई होगी, अविनाश और पलक में बहस होगी, अविनाश पलक ने पुरानी बातें निकाली। अरे ठीक है, आप में से अविनाश ने, मतलब अविनाश ने क्या किया था, आपने क्या किया था, क्या हुआ था, सबको पता चल चुका है, इसमें कोई नयापन बचा नहीं है जानने के लिए। लेकिन उसके बावजूद इसी चीज़ पर लगातार वो खेल रहे हैं, जैसे शालीन टीना लगातार खेल रहे थे कि हम फ्रेंड्स हैं, नहीं हम फ्रेंड से ज़्यादा हैं, हम फ्रेंड्स हैं लेकिन बिहेव फ्रेंड से ज़्यादा करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बिग बॉस के घर में ज़बरदस्ती बनाई जाती हैं, ये रियलिटी शो से ज़्यादा आजकल एक मेडअप शो लगने लग गया है। ऐसा लगता है इनको स्क्रिप्ट पकड़ा दी है, ये दिमाग में स्क्रिप्ट रेडी करके आए टीवी एक्टर्स जो है, और इनको लगता है उसी के हिसाब से चलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि अविनाश और पलक दोनों गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई कर रहे हैं ये बहुत ही ऑब्वियस है। अगर दो एक्सेस एक दूसरे के सामने आएंगे जिनमें से एक ने चीट किया था, इस वजह से रिश्ता टूटा है, तो जाहिर सी बात है कि पुराने जख्म वापस ताज़ा होंगे और पुरानी बातें निकलेंगी ही निकलेंगी। तो आप चाहते तो उन्हें अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आप फिर भी उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। तो ये क्लियरली एक कन्वीनियंस की लड़ाई है लाइमलाइट में और बिग बॉस के घर में कॉन्टेंट देने के चक्कर में। आपको क्या लगता है इस बात पर, बताइएगा ज़रूर।